विजन स्टेटमेंट है, मगर ये मैं आपको राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ठाकुर आपसे नाराज हैं? बहुत बड़े ठाकुर नेता हैं आप, आप ठाकुर नेता हैं, आपको माना जाता है भारत का सबसे बड़ा ठाकुर नेता है। तो राजपूत ठाकुर नहीं, मैं आपको मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं बोल रहा, रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार जैसे वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बात हुई और इसका लोग कह रहे हैं प्रभाव राजस्थान में भी होगा, इधर भी हरियाणा भी होगा। क्या ठाकुर नाराज है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कतई नहीं लगता। तो फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे हैं? ये देश के लिए मरने वाले हैं, देश के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग हैं और ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद बढ़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारत को भारत की अर्थव्यवस्था को एक हाइट देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के रूप में भारत को इमर्ज कराने वाले कोई है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो देश को बनाने का काम, देश का मस्तक ऊंचा करने का काम जो कर रहा है, मुझे लगता है कि जो चरित्र है उसमें सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। किसान उनका जो चरित्र अब तक कर रहा है, नहीं, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब में किसान, अरे कुछ किसान लोग किसान नाराज है, कोई नाराज नहीं है, समूह बन चुका है इस बार। अरे ये बताइए, ये नाराज यदि होता समूह बन चुका है, सारे किसान नेता एक तरफ, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आपने देखा होगा इसके पहले विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ह्यूज मेजोरिटी से हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, उसके पहले भी आंदोलन हुआ है। गांव के रहने वाले लोग किसान बहुत राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुके हैं, ठीक है अपने मुद्दों को लेकर कभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल खड़ा होता है तो सारे भेदभावों को भुलाकर जो राजनीतिक दल अथवा जो सरकार देश का मस्तक ऊंचा कर रही है उसके साथ खड़े होते हैं। और ईडी और सीबीआई जो कर रही है उससे क्या मस्तक ऊंचा हो रहा है? ईडी सीबीआई जो अरेस्ट कर रहे हैं, जैसे कविता की अरेस्ट हुई, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई, एक सिंपैथी फैक्टर भी तो चला जाएगा। ईडी सीबीआई का जहां तक इसको क्या चुनाव के पहले करना चाहिए था कि बाद में पोस्टपोन? नहीं, ये तो ईडी सीबीआई सवाल पूछ सकते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं इसको? इन सब एजेंसीज का काम जो है सिंपैथी फैक्टर जाएगी इंडिया अलायंस के लिए? नहीं, ईडी सीबीआई वगैरह जो अपना काम करती रहती है। दूसरी चीज, यदि ईडी और सीबीआई ने गलत काम किया है जी, तो मैं समझता हूँ कि जो भी इसके विक्टिम हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, और जिस इन एजेंसी ने गलत काम किया है तो कोर्ट, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से उनको रिलीफ देगी। यदि रिलीफ नहीं दे रही है कोर्ट, इसका मतलब कि ईडीसीबीआई ने जो किया है वो सही किया है। इसके अन्यथा यदि कुछ आपको लगता हो तो आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं जी, राजनाथ जी जी, क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालें क्या जरूरत है? क्यों ना डालें? क्यों इसलिए कोई कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले, आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा, इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब? आप बिल्कुल आराम से रहिए, पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ राशन के लिए मार नहीं होती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कामना है कि वो भी धनवान हों, ठीक बने, वहाँ की भी पावर्टी की प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हों, क्योंकि पड़ोसियों के प्रति हम लोगों के भाव तो अच्छे ही रहते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी स्थितियाँ जैसी बन रही हैं उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, हमको कुछ करने की जरूरत, मुझे लगता है, या शायद देश में किसी को लगता हो अथवा न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है। अच्छा, लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने यह बात कही आर्मी डे के अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए, मैंने कहा था, और आपने देखा होगा कि उसके बाद टेलीविजन पर
भारत के समर्थन में नारे लगाते हुए लोग पीओके में दिखाई दिए थे। हम उकसा रहे हैं उनको कि वो मैंने उकसाने का कोई सवाल ही नहीं, ऐसी नापाक हरकत नहीं करते हम लोग। आप कह रहे खुद से लोग मांगेंगे, मतलब उससे यहाँ का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों ने भी जब उतना उनको उतनी उत्पीड़न हुई उनकी, उसके बाद मुक्ति वाहिनी बनी, मगर लास्ट में जाके भारतीय सेना को जाके सपोर्ट तो करना पड़ा। तो पीओके की जो हालत है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारी कोई तो भूमिका होगी उस पर, हमारी धरती है, हमारा जमीन है, हमारा अधिकार है उस पर। नहीं बिल्कुल अधिकार है, वो हमारा अधिकार तो है, आप रक्षा मंत्री। हाँ पीओके हमारा ही है, लेकिन हम आश्वस्त हैं। नहीं आप लोगों को आश्वस्त करें राजनाथ जी, आप आश्वस्त बिल्कुल हैं, जितने रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं। और यही नहीं, मैं बहुत सीरियसली सवाल पूछ रहा हूं। अब हम उस जेनरेशन के हैं राजनाथ जी, आप हमसे सीनियर हैं, हमको हमेशा लगा था कि कई सारी चीजें देश में होनी चाहिए, एक सरकार ऐसी बने जो चीजें करे। 370 हट गया, राम मंदिर बन गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है। हाँ पक्का, ये तो है हमारे इलेक्शन 100%। हाँ इलेक्शन मैनिफेस्टो में है हमारे, उसके बाद इस बार जल्दी कर देंगे। मैनिफेस्टो में तो बहुत सालों से, इस बार इसकी होगी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर? हट रहा हूं मैं राष्ट्रीय स्तर पर, वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप मैनिफेस्टो कमेटी में है, आपने डाली है, होगी कि नहीं इस बार? क्यों नहीं होगी? अगले मैनिफेस्टो तक 2029 तक, अगले 5 वर्षों में होगा। ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। हम जनता को धोखे में रख कर राजनीति नहीं करते हैं, जो है सो है, होगा। हाँ जितनी अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? मुझे तो नहीं है, मैं तो गोवा में तो ऑलरेडी पता नहीं कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। बहुत आपके शुभचिंतक हैं जो कहते हैं उस तरह से। हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पास हुआ, पता है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर मैं राज्य के स्तर पर नहीं कह रहा, राष्ट्रीय स्तर पर होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हम बोल देते हैं वो हमारे लिए मंत्र है, आप ये मान के चलिए। समय सीमा क्योंकि हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन, कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। और आज नहीं, 1951 से लेकर आज तक का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, जो हम कहते रहे हैं क्लियर, हम जिस दिन बेसब रहे लोग, क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट में लेके पूरा, बहुत बेसब्र हैं लोग। उनको लग रहा है यही मौका है जो बड़ी बड़ी चेंजेस देश पे लानी है, अभी लाना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्म से तो हो ही रहे हैं, सारी बड़े बड़े चेंजेस तो हो ही रहे हैं। ये नहीं हुई अभी, ये हुई नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड? हाँ नहीं, मैंने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में है भैया, वो तो है, वो तो है, मगर उसकी प्राप्ति कब होगी, होगा कब? नहीं अगले 5 साल में करेंगे हम इसको 100%, 100% बिल्कुल बिल्कुल गारंटीड है, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि राजनाथ सिंह के साथ आज तक कोई एक बात बढ़िया बताइए कि हम लोगों ने कहा हो ना किया हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है, और इस विश्वसनीयता के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है तो हम लोगों ने स्वीकार किया, जो कहा है उसे किया है। पीओके पे वापस जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जाइए, जो हमारे इंटरेस्ट एरिया है, क्योंकि हमारा चैनल जो है राजनाथ जी ये राष्ट्र सर्वोपरि चैनल है। हम कभी कहते नहीं कि सबसे तेज ये वो, मगर सब लोग कहते हैं तेज, हम कहते हैं रिपब्लिक भारत जो है ये राष्ट्रीय सर्वभाव, राष्ट्रों को समर्पित एक चैनल और नेटवर्क होना चाहिए। तो पीओके के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भी जो एजेंसीज के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, और बहुत खबर आती है कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं, मूड बन चुका है, और वो देख रहे हैं 370 हटने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रही है, विदेशी टूरिस्ट फिर आ रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्टील प्लांट बन रहे हैं, तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इन टू द डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तो कुछ तो आप उस पर संदेश तो दे, खुद ही संदेश दे, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, प्रतीक्षा कीजिए। हम किस तरह का समर्थन देंगे तब? हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं उस समय? हम किस तरह का समर्थन, इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी, मुझे पक्का विश्वास है।
और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, था है और रहेगा। अब पाकिस्तान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को जो ऐसे भी मतलब अपनी विडंबना में रहती है हमेशा, अभी तो इतनी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उनको क्या संदेश है आपको पीओके को लेकर? नहीं, उनको मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उनकी समझ में तो चीज़ें आ ही नहीं होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जो संदेश जाना होगा वो संदेश जाएगा समय के साथ। देखिए पीओके की तरफ देखते रहिए, इस समय इतना ही। हाँ, बिल्कुल इस समय इतना ही। अगर होगा कुछ, होगा तो कुछ नहीं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हमारा अधिकार, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले मैंने मुझे बोला था जी, उसके बाद मैंने देखा कि पीओके में आवाज उठने लगी थी। मैं जिस तरीके से राशन के लिए मारा मारी पाकिस्तान में हो रही है, डेली वायरल क्लिप्स हो रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ जो है हर मंथ 5 किलो फ्री राशन, सारे 80 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है। बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी। तब स्वाभाविक है कोई देखेगा तो अंतर समझ में आएगा, और हम तो उनको अपना मानते ही हैं, मैंने हम तो बिल्कुल दिल खोल कर बैठे हैं, उनको गले लगाने के लिए दिल खोल कर बैठे हैं। गले तो लगाया ही हुआ है, लगाया हुआ है। आपको भी तो रिपोर्ट आ रही होंगी, आपको भी तो रिपोर्ट आती होंगी, आप रक्षा मंत्री हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स आपको तो आते होंगे। मतलब ये राजनाथ जी, ये ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए ना, कोई भी चुनाव के पहले मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो